हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हुए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टॉप 1500 सीरीज़ का पार्ट 11 है। जिन भाइयों ने मेरे पार्ट 1 से लेकर 10 तक नहीं देखे, वो आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको वहाँ 185 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपका एयरफोर्स का हो या नेवी का हो या एनडीए का हो, ओवरऑल किसी का भी कोई एग्ज़ाम हो, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 15 क्वेश्चन, और जो भी आपका स्कोर रहे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज जीरो, लो, वेरी हाई या इनफाइनाइट। वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए इसका क्या हो सकता है, सोचिए। बात करें हिंदी में, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक या अनंत। वीडियो पॉज करिए, चलते हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो आपको मैं बता दूँ, जो रेजिस्टेंस होता है किसका आइडियल वोल्ट मीटर का, वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन डी विल बी राइट, इनफाइनाइट। बात करें हिंदी में, तो हिंदी में अनंत इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉयल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज या रिमेन्स अनस्टेंड। बात करें हिंदी की, तो कॉयल में घुमाव की संख्या में वृद्धि करने पर चुंबक की क्षेत्र की शक्ति घटती है, बढ़ती है, पहले बढ़ती या फिर घटती है या अपरिवर्तित रहती है। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचने की कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। बात करें इसके राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क एंड टॉर्क, एनर्जी एंड वर्क, टेंशन एंड सरफेस टेंशन या इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम। बात करें हिंदी की, तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा युग्म के समान आयामी सूत्र नहीं है, कार्य और बलागुण, ऊर्जा और कार्य, तनाव और पृष्ठीय तनाव या आवेग और रेखीय संवेग। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचने की कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखो वर्क और टॉर्क सेम डायमेंशन है, एनर्जी एंड वर्क सेम डायमेंशन है, टेंशन और सरफेस टेंशन वाइज सेम डायमेंशन नहीं है। बात की जाए इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, ये भी आपकी सेम डायमेंशन है, तो ये तो आपकी सेम डायमेंशन है, हमको क्या फाइंड करनी थी, जो सेम डायमेंशन नहीं है, तो टेंशन और सर्फेस टेंशन वाइज सेम डायमेंशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बात करें हिंदी में, तो तनाव और पृष्ठीय तनाव इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनकी डायमेंशन सेम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेसेस लिक्विड इक्वल टू इट्स ओन मास, वॉल्यूम, वेट या नन ऑफ दीज। बात करें हिंदी की, एक अस्थायी वस्तु सदैव अपने द्रव्यमान को या आयतन को या भार को से द्रव्य को विस्थापित करता है, किसको विस्थापित करता है। क्वेश्चन बढ़िया, ऑप्शन चेक करिए, आई होप आपने अब तक इसका राइट आंसर सोच लिया हो क्या हो सकता है। तो ऑप्शन सी वेट, क्योंकि फ्लोटिंग बॉडी ऑलवेज डिस्प्लेस लिक्विड इक्वल्स टू इट्स वेट। ठीक है, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी उतना ही वेट को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट। बात करें हिंदी की, तो ऑप्शन सी भार इसका राइट आंसर होगा। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज पास्कल्स प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बात करें हिंदी में, तो हाइड्रोलिक प्रेस का संचालन सिद्धांत है पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत, बॉयल का नियम या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचने की कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। चलते हम इसके राइट आंसर की तरफ, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक प्रेस का वो किसके सिद्धांत पर, पास्कल्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट, पास्कल्स प्रिंसिपल। बात करें हिंदी में, तो पास्कल के सिद्धांत पर आपका हाइड्रोलिक प्रेस संचालन सिद्धांत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाई इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचने की कोशिश करिए। चलते मैं हिंदी में बात करते हैं क्वेश्चन की, तो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति किसके द्वारा दर्शाया जाती है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का परिक्षेपण। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचने की कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ, तो राइट आंसर होगा, जो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट किसके द्वारा शोन किया जाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, याद रखना पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी विल बी राइट। ठीक है,
बात करें हिंदी की तो हिंदी में होगा प्रकाश का ध्रुवीकरण, ठीक है, प्रकाश का ध्रुवीकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर, एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, एन अलॉय ऑफ टिन एंड एल्यूमिनियम, एन अलॉय ऑफ निकल क्रोमियम। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचने की कोशिश करिए। बात करें हिंदी में तो एक फ्यूज वायर किससे बना है, टिन और तांबे का मिश्र धातु, टिन और सीसी का मिश्र धातु, टिन और एल्युमिनियम का मिश्र धातु, या निकल क्रोमियम का मिश्र धातु। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचने की कोशिश करिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अलॉय और टिन और लेड से क्या होता है, बना होता है, ठीक है, टिन और लेड के अलॉय से, ठीक है, फ्यूज वायर। बात करें हिंदी में तो हिंदी में टिन और सीसे का मिश्र धातु फ्यूज वायर बना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं बात करें हिंदी में। एक सकारात्मक आवेश वस्तु में है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है, तभी तो होगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो इलेक्ट्रॉनों की कमी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी यूनिट होती है, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ हीट, या नन ऑफ दीज। वीडियो पॉज करिए, चलते हैं हिंदी में। डेसिबल किसकी इकाई है, प्रकाश की चाल, ध्वनि की तीव्रता, ऊष्मा की तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई आपका एयरफोर्स का। चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसकी डेसिबल किसकी यूनिट होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन डायमंड, वाटर, ग्लास, वैक्यूम। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। बात करें हिंदी में तो प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, हीरे में होता है, पानी में होता है, ग्लास में होता है, निर्वात में होता है। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। बात करें हम इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होगी इनमें से, वैक्यूम में होगी, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी राइट, वैक्यूम यानी निर्वात। प्रकाश का वेग किस में अधिकतम होता है, निर्वात में अधिकतम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज ग्रेटर स्पेसिफिक हीट, आयरन, वाटर, कॉपर, मरकरी। किसमें सबसे ज़्यादा क्या है स्पेसिफिक हीट है। बात करें हिंदी में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा है, लोहे में, पानी में, तांबे में, पारा में। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। चलते हैं हम इसके राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर होगा वाटर, ठीक। किसमें स्पेसिफिक हीट ग्रेटेस्ट है, वाटर में है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट, पानी, पानी आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट। अ कार मूव्स फ्रॉम एक्स टू वाई विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न्स फ्रॉम वाई टू जेड विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी डी। द एवरेज स्पीड ऑफ द दिस राउंड ट्रिप इज, ऑप्शन चेक करिए आप, टू वी डी वी यू अपॉन में वी डी प्लस वी यू, या रूट में टू वी यू वी डी, या वी डी वी यू अपॉन में वी डी प्लस वी यू, या वी यू प्लस वी डी अपॉन में टू। बात करें हिंदी की। एक कार एक समान गति वी यू से एक्स से वाई तक जाती है और एक समान गति वी डी के साथ वाई से एक्स तक लौटता है, तो इस यात्रा के लिए औसत गति है टू वी डी वी यू अपॉन में वी डी प्लस वी यू, या रूट में वी यू वी डी, या ऑप्शन सी वी डी वी यू अपॉन में वी डी प्लस वी यू, या ऑप्शन डी वी यू प्लस वी डी अपॉन में टू। आपका भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है, डायरेक्ट आंसर है इसका। बात करें इसके राइट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, क्या होता है टू वी डी वी यू अपॉन में वी डी प्लस वी यू, ठीक है। चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा, कब होगा, जब समान गति से जाती है और एक समान गति से वापस आती है, ठीक है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका लगता है टू वी डी वी यू अपॉन में वी डी प्लस वी यू, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एट कॉन्स्टेंट स्पीड हैज कॉन्स्टेंट एनर्जी, वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड एक्सीलरेशन, या डिस्प्लेसमेंट। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। बात करें हिंदी में।
स्थिर गति से वृत्ताकार पथ में गति करने वाली वस्तु स्थिर होती है, ऊर्जा, वेग, त्वरण या विस्थापन। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। तो भाई जब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, याद रखना, जब आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट होगा। ठीक है, बात करें हिंदी में तो आपका त्वरण क्या है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब क्या हो आपकी गति क्या हो, कांस्टेंट हो यानी स्थिर हो। ठीक है, तो आपकी जो त्वरण है वो भी स्थिर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, या ऑप्शन डी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। बात करें हिंदी में तो कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के मध्य विद्युत बल है, आवेश के उत्पादक के लिए प्रत्यक्ष समानुपातिक, या आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत समानुपातिक, या ऑप्शन सी आवेश के मध्य दूरी के घन के लिए प्रत्यक्ष समानुपातिक, या ऑप्शन डी ए और दो दोनों सही, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। बात करें इसके राइट आंसर की तो आपको मैं बता दूं, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/4π Q1 Q2 upon r2। तो इन्वर्सली तो हो गया भैया डिस्टेंस के स्क्वायर के, और डायरेक्टली होगा चार्जेस के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो Q1 Q2 upon r2, तो डायरेक्टली हो गया चार्जेस के, इन्वर्सली हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट होगा, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, वो सॉरी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आपके करेक्ट आंसर हैं। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स इन इंडिया विच पैरामीटर कैप्ट कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट, फ्रीक्वेंसी या पावर। बात करें हिंदी की तो भारत में विद्युत आपूर्ति लाइनों में कौन सा पैरामीटर अवृत रखा जाता है, वोल्टेज, विद्युत प्रवाह, आवृत्ति या ऊर्जा। वीडियो पॉज करिए, आंसर सोचिए क्या हो सकता है इसका। बात करें इसके राइट आंसर की तो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी विल बी राइट, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आवृत्ति है, वो आपकी क्या होगी, कांस्टेंट। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।